और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए वादी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 20,000 से ज्यादा लोग पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। दुर्गम रास्ते, ऊंचाई की वजह से यात्रा में कई कठिनाइयां परेशानी आ रही हैं, लेकिन भक्तों का जोश और उत्साह सातवें आसमान पर है। आज हम आपको दिखाएंगे अमरनाथ यात्रा में आस्था और तमाम रंग और भक्तों के लिए कैसे है इंतजाम, हमारी ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दुर्गम रास्ते हो, कठिन चढ़ाई हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। बम भोले के जयकारों से वादी गूंज रही है। तमाम मनोकामनाएं लिए श्रद्धालु बाबा बर्फानी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन 10,467 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। दो दिन में 18,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दरबार में शीश नवाया है। कोई पैदल तो कोई घोड़े खच्चर से पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहा है। हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर बेहद ऊंचाई पर पवित्र गुफा स्थित है। पवित्र गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में आस्था के तमाम रंग, तमाम इंतजाम क्या है, ये हम आज आपको दिखाएंगे। अमरनाथ यात्रा में चिनूक हेलीकॉप्टर भी बेहद अहम रोल अदा कर रहा है। चिनूक अमेरिका से खरीदा गया वायुसेना का सबसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसी के जरिए पंचतरणी कैंप में अमरनाथ यात्रियों, सैनिकों की सुरक्षा और मदद के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर बेहद कारगर साबित हो रहा है। चिनूक की खासियत की बात करें तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। चिनूक 10 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से चिनूक का हेलीकॉप्टर, जो सबसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का, वो लैंड करता हुआ नजर आएगा। और जो भारी सामान है वो इसी के जरिए पहुंचाया जाता है। इससे पहले हमने देखा था Mi-17 को, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जितना संभव हो उतना जूम करके दिखाए कि ये चिनूक है जो हाल ही में अमेरिका से लिया गया है और इंडियन फोर्सेस के पास, भारतीय वायुसेना के पास इससे ज़्यादा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है। तो यह है चिनूक लैंडिंग करता हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन का सामान है, ऐसा सामान जो घोड़ों के जरिए पहुँचाना संभव नहीं है, वो चिनूक के जरिए ही पहुँचाया जा रहा है। इससे पहले इंडिया के पास जो सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्ट था वो था Mi-17, रशियन मेड, 70s का डिज़ाइन, लेकिन चिनूक अपने आप में अलग। और देखिए जो छोटा हेलीकॉप्टर है जिसमें कम से कम भी 8 से 10 लोग होंगे, वो चिनूक के सामने कितना छोटा नज़र आता है। और उसके नीचे एक चिनूक के नीचे भी एक येलो कलर का हेलीकॉप्टर, उसके सामने ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों का खिलौना हो। तो ये है क्षमता चिनूक की, भारतीय सेना के पास, भारतीय वायुसेना के पास इससे ज़्यादा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर नहीं है। तो ये है चिनूक की क्षमता। इनकी क्षमताओं का इस्तेमाल अमरनाथ यात्रा में हैवी लिफ्ट कम्युनिकेशन डिवाइस और अदर इक्विपमेंट्स को भेजने के लिए किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते हैं। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन NDRF के जवान और डॉक्टर श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन तक मुहैया कराते हैं। न्यूज़ नेशन की टीम संगम टॉप के बेहद करीब है। यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद संगम टॉप आ जाएगा और उसके बाद 5 किलोमीटर लगभग प्लेन रास्ता है जहाँ पवित्र गुफा के दर्शन होंगे। यानी अगर ऊंचाई के लिहाज से बात करें तो यह अमरनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। खास बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई हेलीकॉप्टर से भी आना चाहता है तो भी उसे ये रास्ता खच्चर, घोड़े या फिर पैदल ही तय करना पड़ेगा। और यहाँ से आप एलिवेशन देखिए कि कितनी एलिवेशन है, और इससे अंदाज़ा होता है कि ये अंतिम टॉप तो है लेकिन आपको 2 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर की चढ़ाई पर
2000 फीट की ऊंचाई भी तय करनी पड़ती है, लिहाजा जो एंगल है वो तकरीबन 20 से 25 डिग्री का बन जाता है। और मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी जयराम दिखाएं कि जो नीचे आपको नज़र आएगा, लगभग जो हम 1.5 किलोमीटर का दूरी तय कराए हैं, वहाँ आप देखिए कि कितना नीचे से आ रहे हैं। और यहाँ पर जो एक बड़ी समस्या होती है वो होती है ऑक्सीजन सप्लाई की, क्योंकि बहुत से लोग घोड़े खच्चर पर बैठने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि कोई समस्या ना हो जाए और वो यहाँ से पैदल ही पहुँचते हैं। राजस्थान का एक कपल, एक दंपत्ति हमारे साथ है, बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचे। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? आशुतोष अग्रवाल, अजमेर के, अजमेर से आए हूँ। हेलीकॉप्टर से आया था, वाइफ को घोड़े पर बैठने से डर लगता है तो हम धीरे धीरे पैदल ही जा रहे हैं। तो कुछ तकलीफ हुई क्या चढ़ने में, क्योंकि एलिवेशन भी अच्छा खासा है? थोड़ा सा सांस में तकलीफ हुआ है, तो आपकी टीम में भी इनका ऑक्सीजन लेवल नाप रही है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम निकला तो इनको ऑक्सीजन भी देगी। एक बार हम चाहेंगे कि अगर आप एक ऑक्सीजन थोड़ा सा लगा दें, उससे पहले हम बात कर रहे थे। मैम आपका नाम क्या है और कितनी देर से आप पैदल चल रहे हैं? हम हेलीपैड के बाद। हेलीपैड डर लगता है क्या घोड़े पे खच्चर पे बैठने से, इसलिए आपने पैदल? घोड़े पे मेरे को डर लगता है, घोड़े पे बैठने से डर लगता है। मैं चाहूँगी जो NDRF के जो जवान हैं वो ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए दें ताकि रिलैक्स फील करें। और NDRF ने ना सिर्फ इस स्थान पर बल्कि जहाँ जहाँ कोई भी टॉप है, CMD टॉप की बात हो या फिर जहाँ हम मौजूद हैं संगम टॉप, यहाँ पर NDRF के जवान तैनात रहते हैं। और उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आप देख लीजिए कि अगर कोई कहीं से गिर जाता है तो उनके पास रस्सी से लेकर तमाम चीज़ें हैं जिससे वह स्ट्रेचर बना सकते हैं पोर्टेबल, और कहीं से भी उतार सकते हैं किसी व्यक्ति को, क्योंकि अभी भी चाहे हम MG टॉप की तुलना में लगभग 2000 फीट नीचे है लेकिन अभी भी हाइट अच्छे खासी है। और जो लोग खासतौर पर हेलीकॉप्टर से आते हैं उन्हें ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आने पे कि पहलगांव की अगर हाइट की बात करें तो वो तकरीबन 7000 फीट है। तमाम मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालुओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोकल यूट्यूबर भी यहां अमरनाथ के तमाम रंगों को समेटने पहुंचे हैं। न्यूज नेशन की टीम संगम टॉप पे पहुंच गई है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 13500 फीट इसकी ऊंचाई है और ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है अगर ऊंचाई यानी एलिवेशन के लिहाज से बात करें, क्योंकि यहां से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर पवित्र गुफा की शुरुआत हो जाती है और वहां पहुंचने में बहुत ज़्यादा दूभर रास्ता नहीं है, क्योंकि यहां से जो अगर दिखाना चाहेंगे कि जो रास्ता है वो लगभग प्लेन है लेकिन जो ऊंचाई है, एलिवेशन है, वो यहीं से ही आपको नज़र आएगी। और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल ब्लॉगर भी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके पास GoPro से लेकर तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? हम जम्मू कश्मीर के रामबन से ही हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी यात्रा भी चल रही है और प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी खासी तैयारियाँ हैं। ITBP और BSF की तैयारी दिखी पूरे यात्रा ट्रैक पर। अमरनाथ यात्रा के दौरान ठंड तो है लेकिन पूरे रास्ते पर बर्फ नहीं है। पवित्र गुफा से पहले ही बर्फ की चादर दिखनी शुरू हो जाती है। इसी बर्फ के बीच में पैदल मार्ग बनाया गया है। बर्फ पर चलकर श्रद्धालु भी बेहद उत्साहित नजर आए। हर हर महादेव, बर्फानी बाबा की जय। इस वक्त हम पवित्र गुफा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। MG टॉप के बाद से लेकर लगभग 10 किलोमीटर तक हमें बर्फ नजर नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि बर्फानी बाबा है तो बिना बर्फ के कैसे होंगे, लिहाजा अब जो पैदल का रास्ता है वो बर्फ का है। और नीचे आप देखिए जहां तक आपको खच्चर नजर आएंगे, घोड़े नजर आएंगे, वो तमाम इलाका पूरी तरह से बर्फ है। और यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जो आपको भगवा नजर आएगा, दरअसल वही पवित्र गुफा है। तो ये लगभग अंतिम पड़ाव है जहां हमें बर्फ मिली है। और इससे पहले जब MG टॉप के आसपास से हम, तब 10 किलोमीटर का पूरा इलाका बर्फ का था। ये एक पगडंडी बनाई गई है पैदल यात्रियों के लिए, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है, क्योंकि देखिए कितनी चटक धूप है और यहाँ सन बन बहुत ज़्यादा होता है, और इसी चटक धूप की वजह से जब बर्फ पिघलती है तो नीचे जो खच्चरों का रास्ता है वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ है, एक छोटी नदी टाइप, नाला टाइप बन जाता है, इसलिए पैदल यात्रियों को ऊपर से भेजा गया है। कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए अंतिम पड़ाव पे। मैम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आए? मेरा नाम सुषमा है, हम लोग दिल्ली से आए हैं। तो अब तक का सफर कैसा रहा, क्या हेलीकॉप्टर से आए थे या पहलगांव से पैदल? हेलीकॉप्टर से आए थे, पंचतरणी तक एंड देन वी वॉक्ड। उसके बाद आपने घोड़ा खच्चर यूज नहीं किया? नहीं, आई वॉक्ड, मैं चलना चाहती थी। यस सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ जी, आप भी दिल्ली से ही आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान से हूँ, अजमेर से। अच्छा, अजमेर से, धीरज सैनी नाम मेरा। तो आप भी हेलीकॉप्टर से आए हैं? हाँ सर, हेलीकॉप्टर से, बाल्टा से हेलीकॉप्टर से आए हैं और फिर आगे मन में उत्सुकता थी बाबा के दर्शन करने की पैदल ही। पवित्र गुफा से 2 किलोमीटर पहले ज्यादा बर्फ रहती है, कई बार बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि रास्ते तक बंद हो जाते हैं, तापमान 0 से नीचे पहुंच जाता है,
लेकिन बीआरओ के श्रमिक बर्फ हटाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त हम पवित्र गुफा से महज 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन देखिए ये भी पूरा जो रास्ता है वो बर्फ का है और बीआरओ के जवान, बीआरओ के मजदूर, श्रमिक लगातार पूरे रास्ते को इसी तरीके से बना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार दिखाइए कि कैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई है, यहाँ से लेके और नीचे तक सीढ़ियाँ बनाई गई है और सीढ़ियाँ बनाने का काम जैसे यहाँ चल रहा है इसी तरीके से लगातार चलता रहता है, क्योंकि बर्फबारी भी होती है और उसे साफ करके यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती है। कितना मुश्किल है भाई ये काम? ये बहुत मुश्किल है। कितने घंटे करते हैं दिन में? ये दिन में 7 घंटे करते हैं। 7 घंटे लगातार। ऑक्सीजन भी कम है, फावड़ा चलाना है। उससे क्या होगा सर, काम मजदूरी करनी है। ये जो है पहले दिन को लगाते थे, आज लगाते हैं 7 ही घंटे। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जोश है, तो किसी भी तरह की सेहत से जुड़ी समस्या के लिए एनडीआरएफ ने भी अपना अपना मोर्चा संभाल रखा है। ऊंचाई पर बेशक लाख दुश्वारियां हो, लेकिन इंतजाम पूरा है। पवित्र गुफा से लगभग 500 मीटर नीचे हम मौजूद हैं और ये है एनडीआरएफ का कैंप, मेडिकल कैंप जो सेटअप किया गया है। अगर श्रद्धालुओं को कोई समस्या होती है, खासतौर पर श्रद्धालुओं को तब समस्या होती है जब वो सीधा 7000 या 6000 फीट यानी पहलगांव से और हेलीकॉप्टर के जरिए आगे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है। मैम, आप हेलीकॉप्टर से आए या फिर किस तरह से पहुँचे? हम बालटाल तक गाड़ी से आए थे, फिर वहाँ से पैदल आए 8 किलोमीटर चढ़ के, फिर वहाँ से घोड़े पर आए। क्या नाम है, कौन से स्टेट से? मैं जबलपुर एमपी से हूँ। क्या समस्या हुई जो आप यहाँ पर इंडिया फिर? थोड़ा सा बीपी और उसकी थकान लग रही मुझे ज़्यादा, इसलिए मैं सोचे यहाँ चेक करा लेती हूँ। और थोड़ा सा बेहतर लगा? जी बहुत अच्छा लग रहा है सब। यहाँ पे इनका बीपी चेक किया जा रहा है। मैम, किस तरह की प्रॉब्लम आती है आमतौर पर? सर यहाँ पे मेनली तो हाई एल्टीट्यूड है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। ऑक्सीजन का लेवल तो ठीक है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ऑक्सीजन खींच नहीं पाते, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर पैनिक हो जाते हैं। तो बीपी हाई रहता है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है कंपेरेटिवली? पल्स रेट हाई रहता है और इसमें हम पेशेंट को यहाँ बिठाते हैं, मोरल सपोर्ट लगाते हैं, उसको अपना नॉर्मल पहले खुद से बोलते हैं भी आप खुद से ऑक्सीजन खींचो। अगर वो खुद से ऑक्सीजन खींच के ठीक हो पाते हैं तो हम उनका उसके बाद लेवल चेक करते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्लेशियर की, पवित्र कुंड की और बर्फानी बाबा के शिवलिंग बनने की प्रक्रिया की। ओम नमः शिवाय। अब हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे न्यूज नेशन के जरिए तमाम भारतवर्ष के दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, उस कुंड के जिस कुंड से बाबा बर्फानी रूप लेते हैं, आकार लेते हैं। दरअसल अमरनाथ की पवित्र गुफा में जो शिवलिंग है वो धीरे धीरे आकार लेता है और जो आकार लिया जाता है वो ठीक मेरे पीछे आपको जो सफ़ेद पहाड़ नज़र आएगा, इसी के साथ में ही एक कुंड है, उसे पवित्र कुंड कहा जाता है। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे आप बने रहिएगा।